हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। मैं दिलीप खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब अपन देखते हैं कि जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, अपन ने जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, कुछ फिल्टर्स थे, कुछ उसके जो मिथ है बात थे वो पढ़ लिए थे। अब अपन देखते हैं अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या था, बेनब्रिज रेमन स्पेक्ट्रोग्राफ। यानी ये कि अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है कि अपने पास द्रव्यमान को निकालने का बताता है। यानी कोई भी आयन होगा या कोई भी परमाणु होगा उसका द्रव्यमान कैसे निकालना है वो बताएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, देखो इसमें डायग्राम की बात कर ले तो मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है यहाँ पे। सबसे पहले ये वाली है अपने पास, ये कि अपने पास एक विसर्जन नली है। तो विसर्जन नली यानी ऐसी नली जिसमें विसर्जन नली काम क्या आती है। विसर्जन नली इसलिए काम आती है कि देखो मैं एक बार तो पहले आपको डिफाइन कर देता हूँ कि ये तो इसकी क्या है, विसर्जन नली है। यहाँ पे दो स्लिट है, एक तो स्लिट S1 है, दूसरी स्लिट S2 है। स्लिट क्या काम करती है वो भी बताएंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है वेग वर्णन का, यानी वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या, अपने पास दो प्लेट लग रही है पी वन और पी टू। तो दो प्लेट लग रही है तो दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि कितनी है, वो स्मॉल डी है। तो यानी यहाँ पे जो इन्हीं को क्या किया मैंने, एक को प्लस से और एक को माइनस से, यानी क्या किया, पोटेंशियल लगाया। पोटेंशियल लगाया इसका मतलब कह सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इसी ई के लंबवत क्या लग रहा है अपना, एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है जो क्या है अपने पास बी वन है। तो ये क्या कहलाएगा अपना, वेलोसिटी वर्णन का है, जिसमें क्या है दो प्लेट है पी वन और पी टू, इसके बीच में क्या लग रहा है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इसी के लंबवत परपेंडिकुलर क्या लगेगा अपना, मैग्नेटिक फील्ड बी वन लगेगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ से क्या है, अपने वापस एक स्लिट है एस सी, और यहाँ से आगे क्या है अपने पास एक निर्वातित या अपन कह सकते हैं जिसे डी कक्ष यानी वैक्यूम, यानी डी कक्ष है। उसमें क्या किया, ये आयन है अपने फोटोग्राफिक प्लेट पर जा रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे देखो दो पॉइंट लिखे, बेनब्रिज रेमन यानी जो इसको प्री बनाने वाला था वो क्या था, बेनब्रिज उसका नाम था, द्रव्यमान निकालने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको क्या किया गया है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। अब यहाँ पे बात करते हैं दो पॉइंट लिखे, एक तो विसर्जन नली, दूसरा लिखा है वेग वर्णनकारी। तो देखो विसर्जन नली क्या काम करती है, विसर्जन नली काम क्या करती है, जिस गैस का द्रव्यमान अपन को क्या हो फाइंड आउट करना हो, या मान लेते हैं कि कोई भी गैस है उस गैस का क्या करना है अपन को द्रव्यमान निकालना है। तो उस गैस को अपन कहाँ भरते हैं, इस विसर्जन नली में भरते हैं। विसर्जन नली में भरने के बाद क्या होगा, यहाँ से आयन पुंज प्राप्त होंगे जो अपना फर्स्ट प्रोसेस है। यानी क्या अपना फर्स्ट प्रोसेस आयन सोर्स, जो आयन सोर्स वाला प्रोसेस है वो कहाँ पूरा होगा अपना, यहाँ पे पूरा होगा। यानी किसी भी गैस का द्रव्यमान ज्ञात करना है उस गैस को अपन कहाँ भरेंगे, विसर्जन नली में भरेंगे। यहाँ से अपन का क्या मिलेगा, आयन मिलेंगे। तो यहाँ से आयन मिलेंगे या फिर कह सकते हैं कि आयन किरण पुंज मिलेगा, वो यहाँ से आयन निकल के कहाँ जाएंगे अपने पास, स्लिट S1 व S2 से होते हुए जाएंगे वेलोसिटी सिलेक्टर में। अब वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होगा, देखो अपने पास यदि कोई भी आयन अपने पास पहले कहाँ जा रही है, यहाँ इसके वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर जा रहे हैं। जब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे दो तो फील्ड है अपने पास, एक तो फील्ड है ई, दूसरा फील्ड है अपने पास बी वन। तो अपन कह सकते हैं कि यदि वेलोसिटी सिलेक्टर में बात करें कि जो भी आयन या जो भी आवेश या जो भी पार्टिकल इसके अंदर जाएंगे तो उस पर दो बल अनुभव होंगे। एक तो कौन सा होगा अपने पास, चुंबकीय बल, एक होगा विद्युत बल। यानी कह सकते हैं कि एक तो होगा अपना विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा क्या होगा अपने पास चुंबकीय बल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा अपने पास, F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है, और ये क्या होता है अपने पास क्यू वी बी वन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू अपन जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होगा, एन ई। यानी मान लेता हूँ कि जो भी अपना आयन है उसका द्रव्यमान तो कितना है, एम है, आवेश कितना है, एन ई है। तो यहाँ पे मान लिया वी क्या है उसका, वेलोसिटी है। तो ये मान लेते हैं कि अपने पास एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी बी वन। अब अपन मानते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं और डायरेक्शन में कैसे ऑपोजिट है। तो इसको कह सकते हैं कि जो टोटल फोर्स होगा वो तो क्या होगा अपना, जीरो होगा। यदि इसमें ऐसा कोई पॉसिबल होता है, यानी इसमें क्या हो, यदि इनका दोनों का ऐड करें तो वो जीरो आ जाए, यानी टोटल फोर्स जीरो हो। यानी ऐसे पार्टिकल जो इन दोनों को टोटल फोर्स को जीरो करे तो वो क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकल कर कहाँ जाएंगे, एस थ्री में जाएंगे। तो एस थ्री में जाएंगे तो यहाँ तो क्या हुआ अपने पास, कोई भी आयन एंट्री की, एंट्री करने के बाद यहाँ पे दो प्लेट थी P1 और P2। देखो यहाँ पे जब P1 और P2 डी डिस्टेंस में कोई प्लेट रखी हुई है तो उसके बीच में जो V होगा वो कितना होगा अपॉन में, V इज इक्वल टू E अपॉन में D होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि जो भी अपने पास आयन होंगे उसकी वेलोसिटी कितनी है, V इज इक्वल टू E बाय ED। तो अपन लिख सकते हैं कि जो वेग होगा, वेग वर्णकारी में जो कण का या आयन का वेग होगा, आयन का वेग कितना होगा अपने पास, V इज इक्वल टू ED होगा, स्मॉल d होगा।
डी के अपने पास दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। तो क्या किया अपन ने, यहाँ पे विसर्जन नली थी, इसके अंदर जिसका द्रव्यमान ज्ञात करना था वो गैस भरी, यहाँ से क्या मिली अपन को, आयन किरण पुंज मिली, तो वही आयन किरण पुंज स्लिट S1 और S2 से होते हुए कहाँ गई, वेलोसिटी सिलेक्टर में। वेलोसिटी, अब S1 S2 क्या काम करते हैं, स्लिट हमेशा क्या काम करती है, किरण पुंज के रूप में काम करती है, यानी बहुत सारे पार्टिकल उसको किरण पुंज के रूप में बनाएगी, यानी एक स्लिट के रूप में बनाएगी। तो वो क्या होगा, एक किरण के रूप में एंट्री करेगी कहाँ पे, वेलोसिटी सिलेक्टर में। वेलोसिटी सिलेक्टर में अपन को दो बल अनुभव होंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इस ई के कारण, मैग्नेटिक फोर्स इस B1 के कारण। तो इसका मैंने दोनों की टर्म लिख ली कि विद्युत बल और चुंबकीय बल कितना होगा, F=QE, और ये कितना होगा QV B1। तो लिख सकता हूँ Q=NE, तो QE=QV B1। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो टोटल फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या, स्लिट S3 से भी आयन बाहर निकलेंगे, तो वो कब बाहर निकलेंगे, जब अपने पास E और B का ऐड क्या हो जाए, या टोटल फोर्स क्या आ जाए, जीरो आ जाए, दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे, यानी जो आयन लग रहा है उसके परपेंडिकुलर कैसा लगा, ई लगा, और इस ई के परपेंडिकुलर भी कैसा लगा, बी लगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो होने के कारण वो क्या करेगा, स्लिट S3 से बाहर निकलेगा। S3 से बाहर निकलेगा तो देखो यहाँ पे केवल क्या लग रहा है, अपना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है जो कौन सा लग रहा है, B2। यानी यहाँ पे देखो अपने पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये केवल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या करेगा, जो भी आयन यहाँ से बाहर निकले उसको क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। यदि कोई भी आयन, जैसे अपने 12वीं में 1st ईयर में आप पढ़ के आए हो कि कोई भी पार्टिकल आता है उसमें यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, अपना सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो यहाँ से जो भी आयन निकल रहे थे वो स्लिट S3 से निकल कर कहाँ जाएंगे, सर्कुलर पाथ में घूमते हुए कहाँ जाएंगे, अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होंगे, अपने पास स्पेक्ट्रम मिलेंगे, और उन्हीं स्पेक्ट्रम के द्वारा अपन क्या करते हैं, उसका मास कैलकुलेट करते हैं। तो मास कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज लिखनी है, ये लिखने के बाद अपन को क्या करना है, ये लिखने के बाद अपन को निकालना है कि इसका मास कैसे निकाले, तो वो चीज देखते हैं। तो देखो अपने पास जानते हैं कि देखो जब यहाँ तक आ गए, तो यहाँ तक तो अपन ने लिख दिया था कि इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, दोनों का फोर्स क्या होना चाहिए, टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। अब अपन यहाँ से आगे बात करें, यानी कोई भी आयन S3 से बाहर निकले, S3 से बाहर निकले तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है B2, और कैसा सर्कुलर पाथ में गमन करना है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर फोर्स कौन सा लगेगा, MV² / R लगेगा, और यहाँ पे कौन सा लगेगा, F=QV B2 लगेगा, ये लगेगा अपने पास, यही लगेगा, फिक्स है। अब अपन जानते हैं कि V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने पास क्या हो जाएगा, RV, यानी यदि मैं R निकालू तो R क्या आ जाएगा अपने पास, MV/Q V2। अब अपन V क्या है अपने पास, V क्या, आयन की वेलोसिटी, और वेलोसिटी अपन ने कैसे लिखी है, वेलोसिटी लिखी है अपन ने V=E/D से, तो ये हो जाएगा अपने पास R = B/E/D, क्योंकि डिस्टेंस आएगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए, अपना B आना चाहिए। यानी जो आयन पुंज होगा वो आयन पुंज, यानी इसकी यदि वेलोसिटी माने तो वेलोसिटी क्या होगी, वेव होगा E/B1, यानी मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो अपन ने जो आगे वाला फिल्टर पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी निकलती है वेग वर्णकारी फिल्टर में, यानी जो फोर्थ वाला फिल्टर था उसमें अपन ने देखा था कि V=B क्या था, E/B1 आएगा, यानी यहाँ पे क्या E/B1, तो ये हो जाएगा अपने पास Q, फिर B की वैल्यू हो जाएगी अपने पास E/B1 और B2। तो इस तरह से ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, यानी ये जो हाफ सर्कुलर पाथ में गति करेगा R, उसकी क्या है, रेडियस है। तो R के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, यदि M निकालना हो तो क्या करोगे आप, M निकालने के लिए ये हो जाएगा Q R B1 B2 / E हो जाएगा। तो इस R के द्वारा आप क्या निकाल सकते हो, M भी निकाल सकते हो। तो ये अपना क्या है, द्रव्यमान बैंडविड्थ मास स्पेक्ट्रोग्राफ है। तो इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको डायग्राम याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत बना के लिखनी है। विसर्जन नली है, इसमें जो गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है, जिसका द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, दो स्लिट लग रही है, उसके बाद वेलोसिटी सिलेक्टर है। वेलोसिटी सिलेक्टर में यदि बात करें कि इस पर क्या दो प्लेट है P1 और P2, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है E, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लग रहा है B1,
तो इसमें क्या होगा, प्लस और माइनस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी वन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, टोटल फोर्स जीरो होने के कारण वो पार्टिकल या आयन क्या करेंगे, यहाँ से एस थ्री से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कैसा, परपेंडिकुलर बी टू, आयन के लंबवत लग रहा है, तो ये बी टू क्या करेगा, उसको घुमाएगा, तो घुमाने के कारण वो कहाँ जाएगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर जाएगा, और फोटोग्राफिक प्लेट पर अपन को क्या मिलेंगे, स्पेक्ट्रम मिलेंगे या वर्णक्रम मिलेंगे, उसके द्वारा अपन को क्या निकालेंगे, एम की वैल्यू निकालेंगे। तो अपने पास दो फोर्स आ रहे थे, जब यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल लगेगा, दूसरा क्या लगेगा, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू कट के एम वी अपॉन में क्यू वी टू। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि आर इसमें जो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, ई अपॉन में बी वन आएगा, तो वो आ जाएगा एम ई अपॉन में क्यू वी वन और बी टू। यदि एम निकालना है तो एम निकालना है तो देखो ये क्या हो जाएगा, एम इधर बाकी सब उधर, तो ये जाएगा क्यू आर बी वन बी टू बाय ई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ हो जाएगा। आप Q को भी यदि उस आवेश के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी इसको मैं यदि इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू एम ई अपॉन में Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई आवेश यानी बी वन और बी टू, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, तो ये भी सही है। तो ये हो जाएगा अपना बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। हेलो, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने वैन ब्रिज ग्रेमन स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ लिया था अपने पास। उसके बाद एक जो नेक्स्ट ग्रेमन स्पेक्ट्रोग्राफ आता है वो आता है द्वि फोकसी ग्रेमन स्पेक्ट्रोग्राफ यानी डबले या डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। सबसे पहले तो बात करते हैं इसमें, इसको डबल फोकसिंग क्यों कहते हैं, तो डबल फोकसिंग की बात करते हैं, तो डबल फोकसिंग कहने का मीनिंग क्या है, यानी इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे डबल फोकसिंग का मीनिंग ये होता है कि अपने पास जो आयन का वेग होता है, एक तो वेग होता है तथा एक दिशा होती है, दोनों का फोकसन होता है। यानी जो अपने पास डायग्राम है इसको भी अपन समझेंगे, तो डायग्राम आपके सामने बना रखा है मैंने, तो ये क्या होगा, द्विफोकसी ग्रेमन स्पेक्ट्रोग्राफ क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें एक तो क्या होता है, एक तो आयनों का वेग तथा दिशा दोनों का क्या होता है, एक साथ फोकसित यानी एक ही पॉइंट पर फोकसित किया जाता है दोनों को, वेग और दिशा को, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, द्विफोकसी ग्रेमन स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। अब आते हैं अपन डायग्राम पे, देखो डायग्राम में क्या माना है अपन ने, कि यहाँ पे तो अपन ने कोई भी आयन सोर्स मान लिया, यानी इसमें फर्स्ट तीन पार्ट थे अपने पास, जो कोई भी स्पेक्ट्रोग्राफ में फर्स्ट क्या था अपने पास, आयन स्रोत था, तो वो आयन स्रोत हो जाएगा इसमें भी। सेकंड क्या था फिल्टर होता। देखो फिल्टर भी अपने पास दो तरह के, यहाँ पे ऊर्जा फिल्टर भी है और संवेग फिल्टर भी है। तीसरा यहाँ पे क्या है, संवेग फिल्टर। फिर इसके बाद क्या अपने पास, जो इसके बाद है वो है अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये चार पार्ट में है डिवाइडेड, तो ये सब है अपने पास। देखो आयन सोर्स की बात करें तो आयन सोर्स में क्या, कैथोड और एनोड के मध्य क्या करते हैं अपन, 20,000 वोल्ट लगभग आरोपित करते हैं। तो इससे क्या होगा अपने पास, जो अलग अलग द्रव्यमान के आयन होंगे वो वहां से क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। तो अपन ने जब आयन सोर्स लिया, या मान सकते हैं कि आयन सोर्स में क्या होता है, कोई भी विसर्जन नली होती है उसमें क्या होती है, जो गैस भरी होती है उस गैस पे क्या करते हैं, यदि 20,000 वोल्ट आरोपित करते हैं तो उसमें से अलग अलग द्रव्यमान के आयन उत्सर्जित होते हैं या यहाँ से आयन निकलते हैं। तो मान लिया कि यहाँ से जो आयन निकले वो स्लिट S1 होते हुए कहाँ है, ऊर्जा फिल्टर में। अब जब यहाँ से निकलने के बाद वो किसमें एंट्री कर रहे हैं, ऊर्जा फिल्टर में, यानी इनकी क्या है, एनर्जी भी सब अलग अलग है, मास भी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, क्योंकि जब अलग अलग है तो ऊर्जा फिल्टर काम क्या करेगा, देखो इसके यहाँ तक आने के बाद वो किसमें एंटर कर रहे हैं, ऊर्जा फिल्टर में। अब ऊर्जा फिल्टर भी अपन ने पढ़ा है कि ऊर्जा फिल्टर किसे कहते हैं, जो इससे पिछले क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि ऊर्जा फिल्टर किसे कहते हैं और क्या कैसे बनता है। तो देखो ऊर्जा फिल्टर में जो अपन ने एंगल लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या अपना एक ऊर्जा फिल्टर, या फिर कह सकते हैं बेलनाकार फिल्टर भी कह सकते हैं। तो ये क्या अपना एक ऊर्जा फिल्टर हो गया, जिसमें H2 क्या स्लिट है या पॉइंट है, और इसका जो अंतिम पॉइंट है वो क्या है, S3 है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये इसका सेकेंड पॉइंट। अब इसमें होता क्या, अपने पास यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आरोपित करने के लिए अपन ने क्या किया, प्लस और माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे जो इसका एंगल है, यानी बेलनाकार संधारित्र है, तो उसकी रेडियस भी होगी, तो रेडियस कितनी है इसकी, 25 सेंटीमीटर। इसका जो छाप बन रहा है वो कितना है, पाई बाय √2 होना चाहिए, लगभग ये इतना होना चाहिए। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी वही अपनी क्या कहलाएगी, बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार फिल्टर या ऊर्जा फिल्टर। तो इसमें क्या होगा अपने पास, जब एंट्री यहाँ से एंट्री की, एंट्री करने के बाद इस पर क्या किया अपन ने, उच्च वोल्टेज आरोपित लगाया। ऊर्जा फिल्टर क्या काम करता है, ऊर्जा फिल्टर एक निर्धारित ऊर्जा वाले आयन को तो क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा, और जो उससे कम वाले आयन है और ज्यादा वाले आयन है उसको क्या करेगा, वो
पटलेट पर टकरा कर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो एक निर्धारित ऊर्जा वाला फिल्टर क्या करेगा, यानी फिक्स ऊर्जा कोई भी डिसाइड किए उसी ऊर्जा के वो आयन क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो वो आयन बाहर निकालने के बाद ऊर्जा फिल्टर इसीलिए कहते हैं कि उसकी ऊर्जा को क्या बनाया जाए, जो अलग अलग द्रव्यमान के आयन आ रहे थे उनकी ऊर्जा को एक समान बनाया जाए, तो वो हो जाएगा अपना ऊर्जा फिल्टर। इसके बाद आने के बाद क्या होगा, ये ऊर्जा फिल्टर S3 से बाहर जाने के बाद, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इसकी ऊर्जा समान हो गई जो भी बाहर निकल रहे उनकी, जो कम ज्यादा कम ऊर्जा वाले और ज्यादा ऊर्जा वाले थे वो अंदर ही रह गए, वो बाहर नहीं आए, निर्गत नहीं हुए। तो यहाँ पे जो समान ऊर्जा वाले बाहर आ गए, बाहर आने के बाद क्या होगा, वो जाएंगे संवेग फिल्टर में। संवेग क्या करेगा अपने पास, संवेग फिल्टर यानी संवेग को समान बनाएगा। हो सकता है वहां पर यहाँ पे क्या किया, एनर्जी को तो समान बना दिया, पर हर का द्रव्यमान भी कैसा होता है, अलग अलग होता है, तो अलग अलग होता है, तो इसलिए अपन ने क्या किया यहाँ पे संवेग फिल्टर लगाया। तो संवेग फिल्टर इसमें कैसे बनता है, वही 60 डिग्री का त्रिज्य कोण होना चाहिए, तो वही त्रिज्य 60 डिग्री का कोण हो गया, प्रिज्म के टाइप में होता है। तो यहाँ से जब ये एंट्री करेंगे तो इसमें क्या होगा, अलग अलग द्रव्यमान के आयन होंगे वो कहाँ जाएंगे, यहाँ से निकलने के बाद संवेग फिल्टर से निकलने के बाद जाएंगे अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ तीक्ष्ण रेखांकन या ऐसे स्पेक्ट्रम टाइप में कुछ अपन को स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो जो पार्टी स्पेक्ट्रम बनेगा उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी का भी द्रव्यमान निकाल सकते हैं, या किसी का भी द्रव्यमान फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का जो दूसरा फर्स्ट, अपने पास दो स्पेक्ट्रोग्राफ थे, एक तो फर्स्ट था बेलब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, दूसरा था अपने पास द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्विफोकसी का मीनिंग यहाँ पे आयन का वेग तथा दिशा दोनों का फंक्शन होगा। आप देखो यहाँ पे आयन अलग अलग द्रव्यमान के आयन आए और वो क्या हो गई, उनकी ऊर्जा हो गई, तो वो आयन क्या करेंगे यहाँ पर जाकर फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ रेखांकन बनाएंगे या कुछ डायग्राम बनाएंगे या कुछ क्या बनाएंगे, स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो इसमें जो चार पार्ट आयन स्रोत में पहले ही समझा चुका हूँ क्या होता है, ऊर्जा फिल्टर भी बता दिया था कि किस रूप में बनता है। तो यहाँ पे जो ये वाला क्या ऊर्जा फिल्टर है, संवेग फिल्टर भी आपको बता चुका हूँ, तो ये वाला क्या हो गया अपना संवेग फिल्टर होगा। इसके बाद क्या अपने फोटोग्राफिक प्लेट, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होगा अपने पास वही स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे और वहीं से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका मास फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इसमें कुछ इसकी विशेषता भी देख लो, विशेषता ये होती है कि अपने पास एक तो ये S3 यानी S3 वाला पॉइंट O और फोटोग्राफिक प्लेट, यदि फर्स्ट विशेषता की बात करें S3 O तथा फोटोग्राफिक प्लेट, यानी कुछ कंडीशन है इसकी, फोटोग्राफिक प्लेट क्या होनी चाहिए, एक ही तल में होनी चाहिए यानी एक ही प्लेन में होनी चाहिए। यदि देखो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे मैंने S3 कर लिया, इसको नीचे ले लिया, ऊपर ले लिया, इसको वापस नीचे ऊपर ले लिया, यानी ये वाला पॉइंट और जो S3 वाला ये वाला पॉइंट है वो क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए या एक ही समतल में होने चाहिए। फिर अपन दूसरा कह सकते हैं कि जो इस पर रेखांकन मिलेंगे वो कैसे मिलती है अपन को, फोटोग्राफिक प्लेट पर रेखिक स्पेक्ट्रम या रेखिक वर्णक्रम मिलते हैं या रेखिक रूप से कुछ लाइनें मिलती है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास इसकी कुछ विशेषता हो जाएगी। तो ये क्या था अपने पास डबल फोकसिक द्रव्यमान था। तो इसमें क्या होगा, जब आयनों के वेग तथा दिशा दोनों को एक साथ फोकसित किया जाता है तो इसमें जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं वो भी कैसे मिलते हैं, रेखिक तो मिलेंगे, रेखिक के साथ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आयन का वेग तथा दिशा दोनों का जो अलग अलग द्रव्यमान के आयन है दोनों का फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेखिक मिलेंगे वो भी कैसे होने चाहिए अपने पास, तीक्ष्ण होने चाहिए, यानी तेज रूप से क्या होने चाहिए, दिखने वाले होने चाहिए, तो वो कहलाते हैं अपने। तो ये हो जाएगा अपना द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये अपना स्पेक्ट्रोग्राफ था, स्पेक्ट्रोग्राफ में अपन ने क्या क्या पढ़ा था वापस बता देता हूँ अपन ने। सबसे पहले उसमें तीन पार्ट पढ़े थे, आयन स्रोत था, फिल्टर था, फिल्टर में भी अपन ने ऊर्जा फिल्टर पढ़ा है, संवेग फिल्टर पढ़ा है, वेग फिल्टर पढ़ा है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि जो अपने पास जो जो फोटोग्राफिक प्लेट वाला चैम्बर था यानी थर्ड रिकॉर्डिंग चैम्बर जिसे बोलते हैं, तो वो क्या फोटोग्राफिक प्लेट वाला था। तो उसके बाद अपन ने दो स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़े, तो बेनब्रिज, दूसरा डबल फोकसिंग। तो यही आपका क्या होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तो ये इसका मास स्पेक्ट्रोग्राफ का लास्ट भाग। तो आप सभी को धन्यवाद, फिर अपन मिलेंगे जो चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक था जो अपने पास रदरफोर्ड वाला था उसमें मिलेंगे, तो वो देखते हैं।